हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशावर में हूँ। कल आया था मैं, कल कुछ शूट नहीं कर सका क्योंकि बारिश हो रही थी। आज पूरा दिन है, मुझे कुछ लोगों से भी मिलना है, तो वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। मेरी शूट में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं साद के साथ चौक यादगार आया हूँ फालूदा खाने। क्या कहने, नॉट कमिंग स्लो। पेशावर आने का एक मकसद ये था कि मुझे काजी शफीक साहब से मिलना था। इस्लामिया क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं ये, मैं भी इस्लामिया कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरा नाम काजी शफीक है जी, मैं एक फर्स्ट क्लास सेलेक्टर हूँ, फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ और यहाँ पे आईसीए में हेड कोच हूँ। आपको क्या लगता है पीएसएल के आने से पाकिस्तान के क्रिकेट में क्या फ़र्क पड़ा है, उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, नए प्लेयर्स को चांस देने में पीएसएल का कितना हाथ है? मेरे ख्याल में जी, अगर आप देख लें, अगर अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है तो उसमें देखें वही प्लेयर ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन रही है जो पीएसएल की प्रोडक्ट है, तो ये तो उसकी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा ये कि थोड़ी सी हमारे क्रिकेट में जान पड़ गई है। पहले हमें मौका नहीं मिलता था अगर अंडर 19 में मसला, अभी लोगों की एक होप सी पड़ गई है, चलें कि जी आप लाहौर से खेल लेंगे, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से, आप किधर से भी खेल सकते हैं, तो ये तो एक पीएसएल की ज़बरदस्ती कंट्रीब्यूशन है। थोड़ी सी हमारे क्रिकेट में जान पड़ गई है। मिरर लगा हुआ है इधर, ये मिरर का एकेडमी में क्या काम है? ये जी, अगर बच्चों को कुछ कोचिंग में कोई मसला हो रहा हो, उनका सर गिर रहा हो या स्टांस में कोई प्रॉब्लम हो, खुद से भी देख सकते हैं। बाकी हम वीडियो एनालिसिस भी करते हैं, वीडियो भी हम करते हैं काम, लेकिन ये मिरर ज़रूरी होता है कोचिंग के, इसके अलावा भी नहीं हो सकती, ज़रूरी है एक कोचिंग का, ऐसा होती है क्रिकेट में। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। आई केम टू पेशावर क्योंकि मुझे दो लोगों से मिलना था। एक क्रिकेट कोच थे जिनसे मैं इस्लामिया कॉलेज में मिला था, एक हैं वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स खुमारियान। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फरहान बुगरा खुमारियान से, मैं रुबाब प्ले करता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट आमिर शफीक, और ये जी अपने असलहे के साथ बैठा हुआ है, और ये जनाब हमारे तबले वाले उस्ताद शिराज एक ये जैम में, हम तीनों हैं और हमारा जो एक बैंड मेंबर है इस पर लेरा बेल, वो हम तीनों पेशावर के रहने वाले हैं, सो वी लिव हियर, और वो इस्लामाबाद में होता है, तो जब भी कॉन्सर्ट होते हैं हमारा प्रॉपर जैम सेशंस होते हैं तो वो उसके लाते हैं, बट एनी हाउ सलाम टू स्पर्ले। मतलब स्पर्ले से मिलने मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा? आपने रश आवर में कराची में कहीं जाना है तो डेढ़ दो घंटा आपको ऐसे ही लग जाएंगे, इस्लामाबाद में पेशावर भी ऐसा ही है, प्लस ये अब यह सारा हमारा इलाका है, हमारा सब पश्तून भाई, सब डॉक्टर इधर पश्तून है, सब फोटोग्राफर वीडियोग्राफर पश्तून है, सारे वेडिंग्स जो कवर कर रहे हैं सारे पश्तून भाई कवर कर रहे हैं हमारे। सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट देवर इन पेशावर, एवरीवन जस्ट लव्स यू सो मच, कि मतलब कोई तोहफे दे रहे होंगे, कोई आपको आके पकड़ लेंगे, हाँ भाई सेल्फी प्लीज़, कोई क्या, तो लॉट ऑफ फन कम्स आउट इन पेशावर, एंड माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स हैव बीन कॉन्सर्ट्स इन पेशावर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू नो वी हैव डन कपल ऑफ टूर्स अब्रॉड, एंड फॉर मी सीइंग माई बैंडमेट्स गो अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सीइंग पश्तून बॉयज इन द मिडल ऑफ द US इन डेमोक्रेटिक लेफ्ट फील्ड स्टेट्स, that was amazing. हर बच्चा ड्रम बजाता है तो आप ये लोटे बजाते हैं। मैं भी जब बच्चा था जब मैं 7 साल का, ये पहले लोटे बजाता है, I mean it. तो लोटे, अच्छा लोटे से इसकी मुराद वो टीन के डब्बे, अच्छा। ये लोटा नहीं, जिसको ये लोटा कह रहा है वो टीन के डब्बे थे, क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, उन टीन के डब्बों को मैंने चम्मच के साथ बजाया था, और बिलीव मी वहाँ पे सामने जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने सबसे टॉप क्लास मुझे मार्क्स दिए थे, उस परकशन सी उन पे भी। फिर इसने मुझे खुद कहा था कि इस दफा चलो लम्स, बाय डिफॉल्ट मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी, और फिर बैटल ऑफ द बैंड चूंकि मैं गया था तो हम जीत के आ गए। खैर मैं क्रेडिट अपनी तरफ ले रहा हूँ, लेकिन शिराज के बातों ने मुझे रुला लिया और मैं इस वक्त सदमे में हूँ।
जब भी आप बैंड बनाते हैं कोई, तो उसका शुरू का एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, जब आपको सिर्फ दोस्त जानते हैं या दोस्त के दोस्त जानते हैं. तो उस टाइम पे कभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट आया कि वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, मे बी ये नहीं चले, कभी अनश्योर होए? जो स्टार्ट ही हुआ, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने इसको चलाना है आगे. कभी हमने हमेशा से अपने शौक के मुताबिक हम लोगों ने किया कि यार एक शौक के तौर पे हम इसको जब तक चलाते हैं. हम वाकई में वी नेवर हैड एनी इंटेंशन कि यार हम लोगों ने इसको कमर्शियल चलाना है, कभी भी. पॉपुलैरिटी, फेम. थैंक यू वेरी मच फरहान, आमिर एंड शिराज. This song was brought to you by Flava, Burst of Deliciousness.